आरती इंडस्ट्रीज देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल है, और अगर करंट सिनारियो की बात करें तो आज अगर कैंडल देखें तो एक डोजी बन रहा है, बहुत छोटी कैंडल है, डोजी भी है। करंटली साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है, बट अगर कल आज की डोजी के बाद अगर कल एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है और डोजी के हाई के ऊपर क्लोज होता है, तो मे बी हम स्मॉल क्वांटिटीज में इसमें ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में। बट अभी के लिए, बिकॉज सिर्फ एक डोजी है और कोई एक कंफर्मेशन नहीं है, कोई फॉलो अप कैंडल नहीं है, तो अभी के लिए नहीं मैं इसको रिकमेंड करूंगी। कल की कैंडल का हम वेट कर सकते हैं, अगर अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, डोजी को क्रॉस करती है, तो मे बी स्मॉल क्वांटिटीज में हम इसको, डिपेंडिंग अपॉन अगर हाई वॉल्यूम्स भी हैं तो हम इसमें थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। जी, लेकिन आकृति जी, अगर मेरे पास ऑलरेडी पोजीशंस हो, 700 रुपए के आसपास से मेरी एंट्री हो, तो मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? अगर 700 रुपए के आसपास बाइंग ऑलरेडी है, तो आई वुड रिकमेंड कि हम एक कल की कैंडल का वेट कर सकते हैं। अगर कल की कैंडल ग्रीन कैंडल जैसे मैंने बताया अगर बनती है और डोजी के ऊपर क्लोज होती है, तो दैट मींस मे बी साइन ऑफ रिवर्सल है, तो हो सकता है कि ये इसका प्राइस ऊपर जाए, स्टॉक का प्राइस। तो उस केस में जब ऊपर जाएगा तो आपका थोड़ा लॉस रिकवर हो सकता है, तो आप उस केस में होल्ड कर सकते हैं। पर अगर ये कैंडल कल ग्रीन नहीं बनती है और एक रेड कैंडल बनती है और नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें अपना लॉस बुक करके इसमें निकल जाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि गिरावट और बढ़ सकती है अगर कल जी कोई रिकवरी या कुछ उस तरीके का साइन नहीं आता। रिकवरी भी नहीं, जी अभी भी जो बात है वो केवल यह है कि एक थोड़ा सा कम नुकसान के साथ में अगर निकल जाए तो है। अल्टीमेटली जो ओवरऑल राय है वो एग्जिट की ही राय है आकृति जी, जो कि